गुड मॉर्निंग। अभी हो चुके हैं 5:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। और निकैब आ चुकी है, दादाजी पीछे से आ रहे हैं, उधर दीदी लोग खड़ी हैं, और बस अभी चलते हैं। तो अभी यहाँ से हमको जाना है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी चलते हैं, वहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट है। कैसा लग रहा है दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं? मैं यहाँ अभी अपनी बस मिल गई है, बहुत मिन्नतों के बाद। बहुत उधर से वहाँ तक आना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को उस साइड उतार दिया था, और फिर उसके बाद अब हम लोग इधर आप पहुँच चुके हैं। तो अब बस अभी थोड़ी देर में हमारी बस निकलेगी, और फिर हम बस बस करते हुए बस से पहुँच जाएंगे मथुरा। तो चलते हैं अभी, लेट्स गो। तो अभी हम लोग यहाँ मथुरा वृंदावन पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुकी है, तो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और खाना पीने जो भी खाना है खा सकते हैं। और बस उसके बाद अभी हम जाएंगे मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर है, और जहाँ जहाँ भी घूमना होगा वहाँ होगा। तो बस अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग जा रहे हैं इस टोटो से, और ये है यमुना नदी। इसी से जो कृष्ण के पिताजी थे, क्या नाम था उनका? वासुदेव। इससे ही क्रॉस करके गए थे, और फिर उनको कहाँ पहुँचाए थे? मथुरा। और वो यहाँ के थे वृंदावन। तो बस यही नदी है, आप लोग देख लो, दर्शन कर लो, पहुँच फूलो, जय हो यमुना नदी की। वो देखो वहाँ पे गाय भैंस भी चल रही है। और अभी हमको ऑटो ने छोड़ दिया है, अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आगे पीछे तरफ वहाँ पे बांके बिहारी का मंदिर है, तो हम लोग अभी बस निकल ही रहे हैं, और यहाँ पे सारा प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है, तो हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे। 12:30 ये लोग बोल रहे हैं कि बंद हो जाता है, तो हमको उससे पहले पहुँचना पड़ेगा। अभी 11 बज चुका है, और ठंड भी यहाँ पे अच्छी है। तो बस अभी चलते हैं और बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, लेट्स गो। क्या कहते हैं, वीकेंड भी नहीं है, फिर भी बहुत भीड़ है। और अभी ये नॉर्मल है, जब अगर वीकेंड वगैरह होता है या कोई त्यौहार होता है, जन्माष्टमी होती है, यहाँ पे चलने के लिए जगह भी नहीं बचती है, बहुत धक्के मुक्के होती है। तो आज हम बहुत अच्छे समय पे आए हैं, अभी हमको पहुँचना है बांके बिहारी मंदिर। तो अभी चलते हैं, चारों तरफ यहाँ पे प्रसाद और ये सब लगा हुआ है, हर चीज़, लड्डू गोपाल के कपड़े और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारी पूजा पाठ की चीज़ें जो हर तीर्थ स्थान में मिलती हैं वो सब लगा हुआ है, मिठाई और बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो बस मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत उसके भी बता दूंगा, मैं आपको सारा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे लाइव नहीं दे सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तभी मेरे दर्शन वगैरह हो गए हैं, पूरी एक्सरसाइज भी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरा धक्का मुक्की करते हुए हम लोग चलते गए, और फाइनली हमको भगवान के दर्शन हो गए, 2 बार हो गए 3 बार हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस और प्रेम मंदिर जाएंगे, अभी उसके पहले कुछ खाएंगे पिएंगे। और दर्शन के लिए तो भाई भगवान, सबसे पहले तो वृंदावन जल्दी कोई आ नहीं पाता है, क्योंकि भगवान नहीं बुलाते हैं, और जब भगवान बुलाते हैं तो आपको दर्शन ज़रूर देते हैं। तो बस हमको दर्शन हो गए हैं, और भगवान से मैंने प्रार्थना कर ली है, आप लोग को भी, अगर मेरे कैमरे में कैप्चर हुए होंगे, भगवान वो तो नहीं सकते, बट फिर भी आप लोग वहीं से अपनी दुआ भेज दो, भगवान सुनेंगे। और बस इसी के साथ मेरा यहाँ का जो एक वो था, यहाँ का भी एक विश लिस्ट मेरी पूरी हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अपनी दीदी को दिखा चुका, कि वो बोली थी मेरे को जाना है, तो मैं फाइनली उनको दिखा दिया, और मेरे भी उनके ही बहाने दर्शन हो गए। तो भगवान सबको बुलाते नहीं है, बट हम आ चुके हैं, तो यही सीन है। अभी चलते हैं, हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निधिवन में, और ये है निधिवन का प्रवेश द्वार, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे भी कम भीड़ है, पर भीड़ है, मार्केट भी लगा हुआ, और हमको अकबर पंडित जी मिल गए हैं, तो हम इनके साथ जा रहे हैं, अभी चलते हैं। यहाँ पे फोन बंदर छील ले जाते, तो इसलिए मैं इधर पे ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, चलते। Thank you.
तो ये तुम भी कर लो जल्दी, कर जल्दी से। हाँ यमुना जी है, यमुना जी का मंदिर है। यमुना जी में आ गए हम लोग, यहाँ पे अब जा रहे हैं हम लोग बोटिंग करेंगे। और यहाँ पे बंदर है तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट जो भी छोटी छोटी क्लिप्स है आप लोग उसका मजा लो। और सेट में आंटी रहती हैं और इसी में भगवान को रखते हैं। ये है पपी, इसमें इनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान से, भगवान को ये भगवान से इतना इनको प्यार है। चल ये हम लोग अब इसमें जा रहे हैं, चलते हैं। हमारे जो नाविक हैं ये दोनों, ये लड़के, ये हमको चला के घुमाएंगे। तो अभी हमारा यमुना की जो वोटिंग थी और वो सब तो हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ बंदर बहुत है तो मेरे को डर भी लग रहा है। तो बस अभी हम जा रहे हैं कुंज गलियों में और जाएंगे कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। लेट्स गो। और गाइस तभी हमारा ये ट्रिक ख़त्म हो चुका है मथुरा का। और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से इस ढाबा में आ गए, हमारे पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट भी था। तो हम लोग मॉर्निंग में यहीं उतरे थे, अभी दोबारा यहीं से आ गए हैं और अब जा रहे हैं। हमारी बस थोड़ी देर में आने वाली है, 4:25 का टाइमिंग है, अभी ऑलरेडी 4:20 हो गया। तो बस हम जाते हैं, अभी बस आएगी उसमें बैठ के निकल जाएंगे। और बस बहुत ही सिक्सी है, NUEGO नूगो करके इसकी बस की सर्विस है। और ये आ गई हमारी बस, ये नहीं ये दूसरी है, ये दीदी है मेरी, यहाँ पर रूही है। कैसा लगा आज? राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वाकई में हरि लाल की जय। तो इनका मन था इसलिए हम लोग आए थे और इनके मन के कारण मैं दादा ही जीजा ही वो भी सबको घूम लिए। और जीजी आए हैं, जी आया है। बाकी सबको मैं जी बोलता हूँ, मैं ही बस नो जी हूँ, तो मैं ओ जी हूँ ओ जी। तो बस अभी चलते हैं, बस आने वाली है, बस आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग मेट्रो में आ चुके हैं। यहाँ भीड़ देखो, बस भीड़, ओ माय गॉड। ये है दिल्ली मेट्रो की भीड़। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, तो हम लोग सोचे कि मेट्रो भी चढ़ ही लेते हैं, अब मेट्रो से जाएंगे। और बाकी ये सारे लोग हैं। और द मेन थिंग कि अभी अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले मैं कश्मीरी गेट पहुँच गया हूँ। अभी इधर से हम लोग जाएंगे राजीव चौक, वहाँ से लेंगे दूसरी मेट्रो और उधर से हम लोग निकल जाएंगे श्रीनगर की ओर। तो बस अभी चलते हैं। ट्रिप बहुत ही प्यारी थी, बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था। और आप लोगों को भी जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने और घूमना फिरना वो वाला चीज़ें हैं, दर्शन अलग चीज़ होती है। तो आप लोग जाओ, वहाँ भी इनसे मांगो जो भी करना करो। सर 2024 की शुरुआत कुछ ऐसे हुई और बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन हुई है। और बस इतना ही बोलूँगा, अभी मेरी ट्रेन आ गई है, मैं पहुँचता हूँ।
तो चल 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 भी आ गए और हम ही कर जाएंगे। तो वीडियो में ही पिकअप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।